हम एक ट्रू लीडर कैसे बन सकते हैं लीडरशिप का अगर आपको एग्जाम्पल देना है कि कौन सी लीडरशिप स्टाइल बेस्ट है अगर वहां पे बैठे हुए leaders, अपने कहने तो इस दुनिया का पूरा रुख बदल जाएगा सो so, बहुत सारे लोग बहुत कुछ सोचते हैं बट इफ यू रियली वॉन्ट टू बी ट्रू लीडर आई थिंक यू है

He might not be great at that. And in the same way, if Sachin would play football, he might not be great. So the coach identified that expert and you a That's what actually leadership is. Okay. So how a true leader? Kaise ban sakte so sare log, te, But if you really want to be a true leader, I think you have to influence people. And influence does not mean that you know social media पे या Instagram पे बहुत सारे लोग आपको like करते हैं comments करते हैं So अगर influence करना हो तो you really have to contribute to someone's life. If you uplift people, you influence. And if you influence, you are a great leader. Okay, leadership का अगर आपको एक example देना है कि कौन सी लीडरशिप स्टाइल बेस्ड है वो क्या होगा ओके सो आई एम श्योर आपने काफी कुछ पढ़ा होगा जैसे कि ऑटोक्रेटिक लीडरशिप है डेमोक्रेटिक लीडरशिप है बट देन देर इज अ कॉन्सेप्ट व्हिच इज नोन एज सर्वेंट लीडरशिप ओके और ये लीडरशिप का कॉन्सेप्ट एक्चुअली नया नहीं है बल्कि बहुत पुराना है सो so, एक दिन किसी राजा ने अपने किसी वजीर को पूछा कि वॉट काइंड ऑफ ए लीडर आई हैव टू बी तो उसने जवाब दिया कि अब तू अपने पूरे गांव में जा वहां पे हर एक बंदे को ऑब्जर्व कर मिल एंड सी दैट यू नो तेरे किंगडम में एक भी बंदा भूखा नहीं होना चाहिए यू स्माइल लीडरशिप एंड हाउ कैन यू डू इट सो इट इज बाई सर्विंग दैम अब एक, एक, एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा मान लीजिए कितने भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन है अगर वहां पे बैठे हुए लीडर्स

Hmm. so servant leadership is the best leadership ever okay so आपने जैसे बताया राजा और वजीर की बात की तो कहीं ना कहीं ये ऐसी बातें है कि हमारे पास बहुत बड़ी टीम होती है राइट लाइक like प्रजा की बात करो तो वो भी हम एक एज अ टीम कंसीडर कर सकते हैं तो आ, आप मुझे बताओ कि व्हाट डू यू मीन बाय टीम इन योर पॉइंट ऑफ व्यू सो अगर मैं आपको पूछूं कि गांधी जी का एकमात्र उद्देश्य क्या था आजादी के पहले देश की आजादी यस yes. ओके okay. और उनकी एक वैल्यू थी दैट वॉज अहिंसा और किसी और की वैल्यू तू तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा बट इफ यू आर अ पार्ट ऑफ दैट वैल्यू सिस्टम एंड टीम दैट्स वॉट एज होल मेक्स अ टीम दैट इज वन मिशन वन ड्रीम वन वैल्यू दैट्स वॉट द टीम इज ऑल अबाउट ओके एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपकी टीम की साइज क्या है अभी चार ट्वेंटी एट पीपल इन माय टीम ओके सो मुझे दूसरा क्वेश्चन ये पूछना है कि पहले ऐसा था टैलेंट इतना नहीं था तो बॉस जो बोले वैसा एम्प्लॉयज करते थे बट आज की फिलोसॉफी थोड़ी चेंज हो गई है मतलब आप ऐसे समझ लो कि हम लोग ऐसे एम्प्लॉयज को हायर करते हैं जो हमसे भी स्मार्ट हो तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं कॉन्फ्लिक्स आते हैं उन दोनों के बीच पे लाइक एब्लो के बीच में तो ऐसे टाइम पे स्मार्ट पीपल को मैनेज करना वो भी एक बड़ा टास्क हो जाता है तो उसके लिए आपके पास कोई सॉल्यूशन है कि उसमें क्या कर सकते हैं ओके सो टू मैनेज स्मार्ट पीपल इज अ टास्क दैट्स व्हाट यू सेड बट आई वुड फर्स्ट ऑफ ऑल से कि अगर वो बंदा स्मार्ट है तो मैनेज ही क्यों करना है राइट सो व्हेन यू ब्रिंग इन द टीम्स इट इज राइट की टीम हमसे हमेशा एक्सपर्ट ही होनी चाहिए क्योंकि देखो आप अगर स्कूल में जाते हैं तो क्या फीस भरते हैं यस नो यस क्या अगर आप कॉलेज में जाते हैं, तो फीस हैं मतलब पैसे दे आप ट्रेनिंग लेते हैं राइट right. तो ऑर्गेनाइजेशन एक ही ऐसी जगह है जहां पे आप पैसे भी देते हैं और ट्रेनिंग भी देते हैं स्मार्ट hmm. पीपल so है तो आप उनको एक मेहनताना देते हैं और वो आपको गाइड करते हैं कि इस कंपनी को बड़ा कैसे करना चाहिए ओके सो पहले तो यहाँ पे ये करेक्शन होना चाहिए सेकेंड नाउ हाउ टू टू मैनेज सो आर थिंग्स अगर बंदा आपके पर्पज में ऑलरेडी ओनरशिप ले रहा है सो hmm. so, यहाँ पे आपका मेजर मैनेजमेंट का टास्क निकल गया सो लेट्स ए आई लिव फॉर अर पर्पज माई पर्पज इज टू ग्रो एंटरप्रीनर एक्सपोनशियली पर्सनली एज वेल एज प्रोफेशनली नाउ डज माई टीम मेट ऑल्सो बाई इन दिस इफ यस

तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और अगर नहीं आयानी so थी काम करेगेट्स वॉट द बेस्ट वे टू मैनेज इट सो हेमल मुझे बढ़ानी है तो उसके लिए कोई आपके लिए फॉर्मूला है कि क्या कर सकते हैं for wow, for okay? so, जब हम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो क्या होता है बड़ी कंपनीज में टीम्स मिलती है और पूरा दिन मीटिंग्स करती है बोर्ड मीटिंग्स ये मीटिंग वो मीटिंग

सो so, आपका माइंड वर्ड समझता है हुँ. और उसने अपने आप को वैसे कंप्यूटराइज किया है हुँ. कि क्या रिएक्ट करना चाहिए right. तो अभी मैं जब खुद को बोल रहा हूं कि आई रिजेक्ट मतलब कि वो थॉट रिजेक्ट हो गया एंड दैट्स वेयर आई कैन कंट्रोल माय ओवर थिंकिंग सो ओवर थिंकिंग नहीं हो ऐसा पॉसिबल नहीं है बट क्या ओवर थिंकिंग कंट्रोल हो सकता है सो दिस इज आवर डिस्ट और मैंने अभी एक वीडियो देखा था विच इज वेरी ब्यूटिफुल तो उन्होंने ऐसा कुछ कहा था कि यार अगर आप

और अगर लीड जनरेट हो जाती है तो उसको सेल्स में कैसे कन्वर्ट करें इन रेवेन्यू ओके तो आपके लिए उसके लिए कोई वन वर्ड फार्मूला है सेल्स के लिए सो आई हैव थ्री डिफरेंट आंसर्स वन वर्ड सबसे पहला आंसर है फॉलो यार हम लोग गुजराती ऐसा सोचते हैं और एंटरप्रीनर काफी बार ऐसा सोचते हैं कि है यारो अप करीस तो गरज देखा से बट यार धंधा तो स्टार्ट किया है इसीलिए सो so पहले तो फॉलो अप फॉलो अप एंड फॉलो अप जब लीड जनरेट हो गई हो अगर आप बात करते हो कि सेल्स को कैसे बढ़ाया जाए या फिर वो लीड को कन्वर्ट कैसे किया जाए आई वुड टेल यू कि यार आप जो बेच रहे हो वो सॉल्यूशन बेचो प्रॉब्लम का अपना प्रोडक्ट मत बेचो इफ यू प्रोवाइड सॉल्यूशन पीपल आर गोइंग टू इट ओके अब क्वेश्चन ये होगा कि सॉल्यूशन कैसे बेचे सो so मैं वन वर्ड फॉर्मूला देता हूं सो so वॉट आप अपने आप से अगर ये चीज सात बार पूछेंगे तो क्या सो so वॉट आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज में हो सात बार में ये आंसर आपको मिलेगा एंड दैट इज वॉट द इमोशनल बेनिफिट यू सेल टू योर कस्टमर्स योर कस्टमर्स इज नॉट इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट ओके फीचर्स एंड बेनिफिट्स आर डिफरेंट बट वॉट इज दैट इमोशन यू गिव सो इफ आई टेल यू आई फोन तो आई फोन प्रोडक्ट तो अच्छा है बट आई फोन क्या देता है अ फीलिंग ऑफ बींग रॉयल सो दैट्स एन इमोशनल बेनिफिट तो आपका प्रोडक्ट क्या इमोशनल बेनिफिट ऑफर कर रहा है अपने आप से सात बार पूछिए एंड यू विल बी सॉल्व ओके सो हेमंत मुझे ये बताओ कि अभी जस्ट फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है तो काफी सारे लोग ने अपने फ्यूचर गोल्स डिसाइड किए होंगे तो बेस्ट टेक्निक क्या है अगर मुझे एक साल का गोल बनाना है या पाँच साल का अपनी कंपनी के लिए गोल बनाना है तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करोगे कि कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई जाए आज कुछ आउट ऑफ द बॉक्स बात करते हैं तो so, अगर मैं आपसे पूछूं ऑडियंस कि आप अपनी कंपनी का टर्न ओवर गोल कैसे डिसाइड करते हो सो आई एम श्योर 90 परसेंट ऑफ पीपल आर गोइंग टू से कि हमारा जो भी पास्ट का टर्न ओवर था उसमें हम 20 टका पचास टका ऐड करेंगे दैट वुड बी अवर गोल सो मोस्ट ऑफ द पीपल एंड एंटरप्रीन ऑपरेट फ्रॉम द पास्ट बट नीट डू एवर थिंक हाउ अबाउट ऑपरेटिंग फ्रॉम फ्यूचर सो लेट मी टेल यू आज दुबई की बात करते हैं अगर दुबई का पास्ट देखा जाए और अगर वो ही सोचते तो क्या कभी दुबई ऐसा बन पाता बन दे ऑपरेटेड फ्रॉम फ्यूचर पॉसिबिलिटीज कि हम क्या कर सकते हैं वॉट कैन वी डू और इसका स्टेप यह है कि आज तक आपने जो भी किया है सबसे पहले आप नथिंगनेस क्रिएट कर दीजिए एक्सेप्ट वट एवर इट इज विदाउट एनी विदाउट एनी रिग्रेट टू डे वॉट यू आर एंड नाउ वॉट कैन एक्चुअली यू क्रिएट योर स्किल्स एंड दैट बी समथिंग विच इज एक्सपोनशियल